नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट थिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है और फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि आज वन खत्म होने की कगार पर है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है जिससे खूबसूरती कम होती जा रही है, इसलिए भारत में वन विभाग बनवाया गया है जिसका काम जंगलों की रक्षा करना है। तो अगर आपको जंगलों और पेड़ पौधों से लगाव है तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में शामिल होकर प्राकृतिक संपदा की रक्षा करने का काम कर सकती है। भारत में वन विभाग के द्वारा हर साल फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली जाती है। तो अगर आप भी फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड क्या है, फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने, फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सैलरी कितना मिलता है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड क्या है और इनके काम के बारे में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड जिन्हें फॉरेस्ट रेंजर्स भी कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का काम जंगलों की सुरक्षा करना होता है। फॉरेस्ट गार्ड जंगल की रक्षा करता है, यह जंगल को काट छाट से बचाने में मदद करता है। बढ़ते विकास और जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि चारों तरफ पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जानवरों को रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं बची है। इसलिए जंगलों को बचाने, पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है। इस विभाग में काम करने वाले को फॉरेस्ट गार्ड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है और इनके काम के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहती हैं तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से 12वीं कक्षा पास होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आप फॉरेस्ट गार्ड बन सकती हैं। फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए एज, हाइट, चेस्ट एंड वेट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में कुछ छूट भी दी जाती है। हाइट, पुरुष उम्मीदवार की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड महिला उम्मीदवार की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट, पुरुष उम्मीदवार की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड महिला कैंडिडेट के लिए नो रिक्वायरमेंट्स है। वेट, पुरुष और महिला दोनों का वजन और शरीर की ऊंचाई के अनुसार होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समय समय पर रिक्त पदों की भर्ती के लिए फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी निकालती रहती है। तो जब भी फॉर्म निकलेगी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होती है। तो चलिए हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा और एग्जाम कैसे होता है। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की चयन प्रक्रिया यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम द्वारा की जाती है, जिसे आपको पास करना होगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 3 चरणों में होती है, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। तो चलिए इन तीनों एग्जाम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, रिटन एग्जाम, यह प्रथम चरण की परीक्षा होती है। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो जो कैंडिडेट
इस रिटन एग्जाम को अच्छे अंक से पास कर लेती हैं, उन्हें आगे के फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। नंबर 2, फिजिकल टेस्ट। दोस्तों, इसमें आपकी हाइट और चेस्ट की जांच की जाती है। इसके साथ ही उम्मीदवार की दौड़ की परीक्षा भी होती है। एक निर्धारित समय में कुछ दूरी तय करनी होती है। मेडिकल टेस्ट। दोस्तों, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट इन दोनों परीक्षाओं में सफलतापूर्वक पास हो जाते हैं, उनको आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस मेडिकल टेस्ट में आपकी शरीर की अच्छे तरह से जांच की जाती है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें कुछ अन्य ऑफिसर्स आपके सामने बैठकर आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो अगर आप इस इंटरव्यू में अच्छे अंक से पास हो जाएंगे तो आप एक फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे। तो चलिए अब जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी के बारे में। दोस्तों, अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी की बात करें तो एक फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी काफी अच्छी खासी होती है। एक एवरेज बताया जाए तो 20,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह होती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है और फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। धन्यवाद।